तो फाइनली जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जो है कक्षा 12वीं का जो जो बच्चे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए बेहद खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी छात्र को पता होगा कि 6 जून से लेकर जो है 16 जून तक जो है यह आप लोग जो है डम्मी डम्मी जो है आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी के द्वारा जो है लिंक खोला गया था। और फाइनली डम्मी के तत्पश्चात जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जो है जारी कर दिया जाता है, ताकि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में देखने के लिए मिल जाएगा बीएसईबी यूनिक आईडी भी मिल जाएगा आपको, जो बीएसईबी जो यूनिक आईडी जो मिलेगा आपको यही ओरिजिनल में ही देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ आपको और क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन संख्या मिलेगा। आपको डमी में याद होगा आपको सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं शो हो रहा था, लेकिन जब ये ओरिजिनल आप लोग जब डाउनलोड कीजिएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा है ना, यहां पर आपको वो नंबर यहां पर आपका शो हो जाएगा यही जैसे आप लोग ओरिजिनल डाउनलोड कीजिएगा। तो ये बहुत कुछ आपका जो इसमें अंतर देखने के लिए मिलेगा ओरिजिनल में, और ये डाउनलोड करना जरूरी है और अपने कॉलेज से भी जो इसे प्राप्त कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खास है। उसके बाद आपका ओरिजिनल ओरिजिनल के बाद आपका एग्जाम फॉर्म जो है जारी किया जाएगा, लेकिन एग्जाम फॉर्म अभी बहुत समय है, लेकिन सबसे पहले बिहार बोर्ड के द्वारा जो है डम्मी जारी किया गया था और आज आपका जो है आखिरी डेट था 16 जून, और 16 जून के बाद जो है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का भी लिंक आ चुका है। पूरी जानकारी समझिए कब से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जो जो बच्चे इस वर्ष 2024 में वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और सभी स्टूडेंट जो है अब डम्मी के बाद ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी छात्रों का इंतजार की घड़ी जो है कुछ ही घंटों में आपका समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है लिंक यहां पर आप लोग देख लीजिए यहां पर आ चुका है। अब ये जैसे लिंक ओपन होगा उसके बाद सभी स्टूडेंट जो आसानी से जो है कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटा कभी भी यह लिंक खुलेगा, और यह लिंक कहां पर मिलेगा पूरी जानकारी बताऊंगा लाइव, सभी स्टूडेंट एकदम पूरी जानकारी समझ लीजिए। जैसा कि आप सभी छात्र को पता होगा कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है सबसे पहले डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया था, और डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो 16 जून 2023 तक जो है इसे आप लोग जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते थे, यानी 6 जून से लेकर जो है 16 जून 2023 तक का ये जो है समय दिया गया था है ना। अब 16 जून के बाद जो है अब इसे अगर आप लोग अगर नहीं करेक्ट किए तो आप बहुत लेट हो गए, क्योंकि आपको कॉलेज में जाकर इससे पहले ही आपको जो है इसको अगर जिनको भी अगर डमी में त्रुटि थी उनको सुधार करवा लेना था। और हाँ, अब जो ओरिजिनल जो आपका जारी होगा अगर बाय मिस्टेक अगर आपने जो है डमी में अगर मिस कर गए है ना सुधार करना, तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का भी जो है सुधार करने का आपको टाइम दिया जाएगा, कम से कम आपको जो एक सप्ताह का जो है समय दिया जाएगा इसे सुधार करने का। तो अब आप सभी छात्र के मन में एक ही सवाल है, सर जी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है 2024 परीक्षा का जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है इसे कहां से डाउनलोड कर सकते हैं सभी स्टूडेंट, तो आपको चले आना है गूगल में आना है और आपको सर्च कर लेना है बिहार बीएसईबी। जैसे यहां पर हम टाइप कर रहे हैं इसी प्रकार आपको आना है गूगल में और सर्च करना है बिहार बीएसईबी। जैसे सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा, यहां पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे यहां पर आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, इस वाले थंबनेल में आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे यहां पर क्लिक कीजिएगा यहां पर जितनी जानकारी हमने यहां पर बताया पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक से यहां पर लिखी गई है, यहां पर पूरी जानकारी बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी हम आपको थोड़ा सा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, चलिए हम थोड़ा सा आपको यहां पर जूम करके जो है यहां पर हम आपको दिखा देता हूं। जैसे आप लोग ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करोगे तो सबसे ऊपर यहां पर आपको दिख जाएगा इंटरमीडिएट सेशन दिख जाएगा, और यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, यहां पर आपको फोटो देखने के लिए मिल जाएगा सभी स्टूडेंट को है ना। उसके बाद आपको यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर आपको दिख जाएगा, कहां पर दिखेगा यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो जो विषय लिए होंगे यहां पर आपका वो शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको डाउनलोड करके देख लेना है, सारी जानकारी एकदम सही है। और डाउनलोड करने के लिए आपको क्या क्या जानकारी मांगी जाएगी, कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, फैकल्टी स्टूडेंट नेम फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद व्यू पर क्लिक करके जैसे डम्मी आप लोग डाउनलोड किए थे सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग ओरिजिनल भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर पूरी जानकारी बताएगी कैसे आपको डाउनलोड करना है, और जिन भी छात्र को अगर डाउनलोड करने में समस्या होती है उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़ जाना है, ओके। उसके बाद यहां पर आप लोग आओगे तो आपके सामने दिख जाएगा बीएसईबी जो है 12th जो है रजिस्ट्रेशन का 2024 डाउनलोड देखिए, और आपके पास एक नहीं दो दो लिंक दिया गया तो आपको सिंपली लिंक में क्लिक करना है। अब जैसे लिंक में आप लोग क्लिक करोगे अभी फिलहाल ये सर्विस अनअवेलेबल बता रहा है,
कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटे के बाद यह लिंक आपका फटाफट काम करेगा। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस, पहले कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद फैकल्टी सेलेक्ट कर लेना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ भर के आपको जो है क्या करना है, व्यू पर यहाँ पर नीचे आपको बटन मिल जाएगा, व्यू पर क्लिक करके जो है आसानी से अपलोड डाउनलोड कर पाओगे। आई होप आप सभी छात्र को समझ आ चुका है कैसे जो है बिहार बोर्ड का जो है कक्षा 12वीं का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो आई होप जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो सभी के सभी स्टूडेंट का भी आना है और एकदम फटाफट आप लोग चेक करते रहना है, ठीक है। आपको क्या करना है, गूगल में आइए और सर्च कर लीजिए बिहार बेस पे, फटाफट आप लोग सारी जानकारी पढ़ लीजिए और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लोग चेक करने का जो लिंक है आप लोग आराम, जैसे लिंक एक्टिव होगा आप लोग फटाफट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो देरी नहीं करना, आप लोगों को चेक करते रहना है, क्योंकि जो जो बच्चे अगर डम्मी में जो है ना अगर सुधार करने में मिस कर गए तो उनको तो है ना हो सकता है मे भी आगे सुधार करने में समस्या आ जाए। लेकिन इसलिए आपको क्या करना, हमेशा जो है एकदम फटाफट, जैसे हम कुछ भी बताए फटाफट एकदम एक्टिव रहना है, ठीक है ना। इसलिए सभी स्टूडेंट को क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग फटाफट आइए गूगल में और बिहार बेस पे सर्च कीजिए और फटाफट पूरी जानकारी पढ़िए और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।